Assalamu alaikum and welcome to Learning with Smile. I am Amar Nandishi. Dear viewers, आज मैं आपके सामने जिस वीडियो में हाजिर हूँ उसका टॉपिक कुछ इस तरह से है, How to join Pakistan Army as a clerk. यानी कि पाकिस्तान आर्मी को क्लर्क के तौर पर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपने उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है. जब आप उसमें जाएंगे, यानी कि जब आप रिक्रूटमेंट सेंटर में जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेंटर जो मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ डिवीजन के हिसाब से, यानी कि मुल्तान होता है, फैसलाबाद, डीआई का, इस तरह से डिफरेंट होते हैं, सरगोधा हो गया, इस तरह से गुजरावाला. तो जो मेरे करीब पड़ता है वो है मुल्तान और फैसलाबाद. जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फैसलाबाद. तो उसके हिसाब से जो प्रोसेस वहाँ पर हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको मुकम्मल यहाँ पर गाइड करूँगा. इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जिसके बारे में आपको शुबा हो कि ये मैंने नहीं बताया. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. डियर व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी को क्लर्क के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको ऐसा करना होगा कि आपको पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका एड्रेस है www.joinpakarmy.gov.pk स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको. आपने इस एड्रेस को वहां पर गूगल पर सर्च करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है. और उसके बाद जो जहां पर लिखोगे सोल्जर, आपने वहां पर जाकर यहां पर लिखोगे रजिस्ट्रेशन है, आपने वहां पर क्लिक करना होगा. और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्लर्क का, कुक का, सोल्जर का, सबका सेम होता है. और जो क्लरिकल के लिए होता है ना, वो जब आप अपने रिटन टेस्ट वगैरह क्लियर कर जाते हैं उसके बाद जिनकी एजुकेशन डी ए होती है तो वो क्लरिकल के लिए उनको अलहदा कर लेते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं. तो जब आप उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जाएंगे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिस में, यानी कि आर्मी सेंटर एंड आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर. जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे कंप्लीट, यानी कि अगर आपने मैट्रिक की हो तो मैट्रिक की सनद, डी का, मैफ, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है. उसके बाद आपका ओरिजिनल CSSC कार्ड, आपका जो वाला अगर जिंदा है तो आपने उसका कार्ड लेकर जाना. कार्ड लेकर जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा. अगर आप कार्ड लेकर नहीं जा सकते तो फिर आप ऐसा करें कि आपके जो वाले साधन की शनाख्ती कार्ड की जो कापी है उसको आप कहीं से अटेस्टेड करवा लें. वो करवाने के बाद अगर आपके वाले साहब फौत हो चुके हैं तो आपने ऐसा करना है कि उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है आपने वो साथ में लेकर जाना है. वो आपको ये चेक करने के बाद आपको वो साइट पर बिठा देंगे जहाँ पर दूसरे लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही होगी. आपका नंबर आने पर वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे. आर्मी की रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए. वो लेने के बाद आपको वहां पर एक पर्ची देंगे, यानी कि जो उनकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी वहां पर आपको टेस्ट की डेट दी होगी कि आपने इस डेट को रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाना है, जिसका टाइम होगा 6 AM, यानी कि आपने सुबह 6:30 बजे वहां पर पहुंचना होगा. जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर वो आपको आर्मी सेंटर में एंटर ही नहीं होने देंगे. जब आप अंदर पहुंचेंगे तो फिर वो आपके जो रोल नंबर का हिसाब होगा उसके हिसाब से आपको वहां पर बिठा देंगे. लाइन में बिठाने के बाद आपसे टेस्ट होगा. जो टेस्ट वहां पर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. पहला होता है डोमेस्टिक टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है इंटेलिजेंस, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट. इन पर्सनैलिटी टेस्ट, रिटन टेस्ट और डोमेस्टिक टेस्ट, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मैंने अलग अलग से, यानी कि सेपरेट 3 वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिनको लोग बात कर रहे हैं आप भी वहां पर जाकर देख सकते हैं. आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए लर्निंग विद स्माइल, और उस पर जाने के बाद वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए. जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाकिस्तान आर्मी टेस्ट. इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करनी अभी तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. वहां पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसको तकरीबन कोई 15,000 के करीब लोग उस वीडियो को बात कर चुके हैं. उसके बाद जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो पहला होता है डोमेस्टिक टेस्ट. डोमेस्टिक टेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो में अपलोड कर चुका है जिसका टाइटल है पाकिस्तान आर्मी डोमेस्टिक टेस्ट. इससे जब यह टेस्ट ले लेते हैं उसके तकरीबन 2 घंटे के गैप के बाद आपको उसका रिजल्ट सुना दिया जाता है. जो कैंडिडेट
उसमें पास होते हैं, यानी कि जिनका ये टेस्ट पास होता है, जो जो लड़के उसमें पास होंगे वो उनको बिठा लेंगे वहां पर तरतीब से लाइनों में, और जो लड़के फेल हो जाएंगे उनसे रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लेंगे। बाद बात ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको देते नहीं वापस, बाद बात ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको वापस कर देते हैं पर उस पर वो स्टंप लगा देते हैं जिस तरह आता है कि रिजेक्ट, यानी कि यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है इस अंदर। उसके बाद फिर आप दोबारा उसमें 6 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन फेल हो गए तो दूसरे दिन आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लें, उनके पास उसका रिकॉर्ड जो होता है वो महफूज होता है। जो पाकिस्तान आर्मी की वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं अप्रैल से लेकर मई तक, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक और 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये साल में 2 दफा आती हैं और ये 30 दिन तक रहती हैं। 30 दिन अप्रैल से मई तक और 30 दिन अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। उसके बाद इंटेलिजेंस का टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में वो आपके जहन के मुताबिक टेस्ट होते हैं, यानी कि वो आपका माइंड चेक करते हैं कि ये बच्चा जो है वो कितना जहीन है। इसके बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है कि पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस टेस्ट, आप इसको सर्च कर लें, अगर आपको इस तरह से नहीं मिलता तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब ये टेस्ट ले लेते हैं तो इसको रिजल्ट सुने बगैर ही एक तीसरा टेस्ट लेते हैं जिसका नेम है पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बारे में आप एक सवाल बता देता हूँ कि किस तरह से सवाल मांगा होता है। उसका सवाल इस तरह से होता है, मसलन अगर कोई आपका दोस्त आपको कोई मशवरा देता है तो आप क्या करेंगे? उसके आगे ऑप्शन होंगे, आप फौरन मान लेंगे, ऑप्शन 2 होगा कि बाद उससे नुकसान भी हो सकता है, नंबर 3 कि आप अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, आप इन चीजों में से क्या लगाएंगे? तो आपने उसको फौरन टिक कर लेना, यानी कि ये टिक कर देना है कि आप उसको फौरन मान लेंगे। इसके पीछे भी एक राज है, और वो राज जो है मैंने अपने पाकिस्तान आर्मी के पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप इस टेस्ट को पास करने की आपने सलाहित होगी कि आप उसको आसानी के साथ पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं जो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मैंने पाकिस्तान आर्मी में 3 दफा अप्लाई किया है। पहली दफा जब मैं फेल हुआ था मैं पर्सनैलिटी टेस्ट में हुआ था, दूसरी दफा मेरा लिस्ट में नेम नहीं आया था, तीसरी दफा अब माशाल्लाह बस मैं उसमें सिलेक्ट हो चुका हूँ, बस नेक्स्ट मंथ में मैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ शहरा में। और उसके बाद जब आपके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं बाकी दो इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट, तो फिर वो आपको बिठा देते हैं, तकरीबन घंटे बाद आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है, जो उसमें जो बदकिस्मत होते हैं यानी कि जो फेल हो चुके होते हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी को कह देते हैं कि आपका सुबह जो है वो फिजिकल और मेडिकल होगा, उसके लिए आपको सफाई करके जानी होती है आपको अंदरूनी सफाई। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल के बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से आकर आसानी के साथ आपको कंप्लीट मैथड पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या होता है उसमें। उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले दौड़ होती है, दौड़ कितनी होती है ये वीडियो में बताया हुआ है, उसके बाद आपसे इस तरह से डंड लगवाते हैं यानी कि इस तरह से, उसके बाद फिर आपसे चिन अप करवाते हैं यानी कि इस तरह से, यानी कि आपके पैर फंसे होते हैं और फिर आपने ऐसे ऐसे करना होता है जैसे ये देखें, और उसके बाद फिर पुशअप होते हैं यानी कि इस तरह से हाथ होता है जैसे इस तरह से जैसे बंदे करते हैं, और उसके बाद एक लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद आपको कमरे में लेकर जाया जाता है, वहां से फिर आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, मेडिकल में वो आपकी चेस्ट देखते हैं, आपकी वीएन देखते हैं यानी कि आपकी पूरा वीएन कितनी है, उसके बाद फिर आपके हेड वगैरह देखते हैं, और वहां से जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है यानी कि मेडिकल का, तो उसमें वो आपसे कहते हैं स्टार्ट करें कि जिन लोगों का वीए है ना वो साइड पर आ गया, उनको साइड पर कर लेते हैं, उनकी सबसे पहले दूसरे भी बैठे होते हैं उनकी पहले वो देखते हैं खुद वीएन वगैरह हाइट चेस्ट, और उनका जो फॉर्म होता है उस पर लिख देते हैं उसके ऊपर फिट एज ए क्लर्क, यानी कि आप मेडिकल के लिए वापस सेलेक्ट हो चुके हैं। और इसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आपने स्टेट को आना है और आपने डॉक्यूमेंट जो वो जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, कितने कितने डॉक्यूमेंट वहां पर जमा होते हैं, वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट जेनिक प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी उसमें मैंने ये बताया हुआ है, कितनी कापी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो कापी नंबर लेते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेते हैं आपसे सब के, तो फिर वो आपको सिर्फ कहते हैं कि जिनका बी ए यानी कि बी ए और जिनका जो मैट्रिक में ए प्लस ग्रेड है यानी कि जिनसे 90% से अबव मार्क्स हैं वो साइड पर हो जाते हैं। जब वो साइड पर हो जाते हैं फिर उनसे कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट को आना है, वहां पर आपका क्लिनिकल कार्ड टेस्ट होगा।
क्लरिकल का टेस्ट जब होता है तो उसमें वेट टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें होते हैं, उस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे सवाल होते हैं, इसके बारे में भी मैंने अभी रिसेंटली यानी कि चार दिन पहले वीडियो अपलोड की हुई है, जिसको तकरीबन आप 500 लोग उसको दे चुके हैं, यानी कि 500+ लोग उसको बात कर सके हैं। और उस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ कि कौन कौन से सवाल होते हैं, और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताई हुई है, और ये भी बताया कि इंग्लिश होते हैं किस तरह से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी क्लरिकल का जो टेस्ट है उसको आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सके और इसको पास कर सके। जब ये कंप्लीट प्रोसेस वगैरह हो जाता है उसके बाद वहाँ पर लिस्ट रहती है, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं यानी खुश नसीब जो लोग होते हैं उनका लिस्ट में नेम आ जाता है। जिन लोगों का लिस्ट में नेम आ जाता है उनको कहते हैं कि आप उनके साथ लिस्ट के साथ उनके आगे रिपोर्टिंग डेट लिखी होती है, यानी कि आप ये कोर है और इन कोर वालों ने इस डेट को वहाँ पर रिपोर्ट करना। ये थी वीडियो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ ये वीडियो जो है इसके हवाले से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट है जिसका नेम है www.learnwithsmile.com। आप इसको गूगल पर सर्च कर लें तो आपको ये स्टार्टिंग स्क्रीन पर ही मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक कर मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपकी कंप्लेन यहीं से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि जो नए कैंडिडेट हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो की मदद से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सके, और वो इसका हल हो सके कि खुद से जाकर बगैर किसी ये हेजिटेशन के यानी कि बगैर किसी चार्ज के अपना प्रोसेस है जो कम्प्लीट कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ग्रैंड टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।